वन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों पर आरोप, वन भूमि पर करवा रहे फसल, वीट गार्ड की मिलीभगत से ग्रामीण कर रहे फॉरेस्ट की भूमि पर फसल, डीएफओ से की मामले की शिकायत। कहते हैं जब रक्षक ही भक्षक बनने लगे हैं तो वनों को मिटने में देर नहीं लगेगी और वो दिन भी दूर नहीं होंगे जब दूर दूर आपको जंगल नजर नहीं आएंगे। बात कर रहे हैं वन परिक्षेत्र करेरा की, आसपुर वीट की, जो हमेशा चर्चा में रहती है। यहाँ कभी अवैध खनन तो कभी जंगल की अंधाधुंध कटाई के लिए चर्चा में रहती, लेकिन इस बार ये बीट फॉरेस्ट की जमीन पर फसल करवाने के लिए चर्चा में है। बीते रोज गुरुवार को जगत सिंह लोधी निवासी उमरी कला ने शिवपुरी डीएफओ को एक शिकायती आवेदन दिया, जिसमें उल्लेख किया गया कि वन परिक्षेत्र अधिकारी अनुराग तिवारी, वीट गार्ड तीरेंद्र कुमार कोहली सहित अन्य कर्मचारियों की मिलीभगत से वन विभाग की कई सैकड़ा बीघा भूमि पर ग्रामीणों ने कब्जा करके उसमें फसल की भी बुआई कर दी है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा ग्रामीणों से लाखों रुपए प्राप्त करके वन विभाग की भूमि की जुताई करवाने में लगे हैं। वहीं शिकायतकर्ता ने उक्त मामले की शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर भी की, जहां शिकायतकर्ताओं का कहना है कि अधिकारियों ने मौके पर न जाकर अपने मन से ही उक्त शिकायत पर निराकरण कर डाल दिया गया, जो एकदम गलत है। देखिए क्या कुछ कहा। क्या नाम है तुम्हारा? सर जगत सिंह नाम है। अच्छा, आपने ये कलेक्टर साहब को आवेदन दिया था, क्या कुछ समस्याएं थी आपकी? सर मेरी ये उमरी कला का निवासी हूँ, आसपुर बीट में मेरी ज़मीन है, रेंज से लगी हुई है, जिसमें गार्ड बीट रेंज रेंजर साहब ने मेरी ज़मीन जुतवा दी है, अन्य लोगों को उसमें मूंगफली बुआ दी है। अच्छा, आपकी आपकी जो खाते की रजिस्ट्री वाली ज़मीन है उसको जुतवा दिया है? मेरी खाते की ज़मीन में मूंगफली बुआ दी गई है। रेंज विभाग को भी आवेदन देने के बावजूद इनने मेरी पट्टे की ज़मीन जुतवा दी है। अच्छा, किसी को पैसे लेके जुतवाया, किस हिसाब से जुतवाया है? पैसे ले के हिसाब ग्रामीणों को हजारों बीघा ज़मीन जुती है, मेरी नहीं बल्कि हजारों बीघा फॉरेस्ट की ज़मीन जोत के मूँगफली बुआई जा रही है उसमें। अच्छा, आपने ये कलेक्टर साहब को आवेदन दिया था और कहाँ वन विभाग में शिकायत की थी? सर वन विभाग में आवेदन दिया, डीओ फुकुला ने कलेक्टर महोदय के लिए दिया आवेदन और वन मंत्री को इसमें, और 181 भी लगाई, इसमें मेरी कोई अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और मेरी निजी भूमि है उसमें भी खेती नहीं करने दे रहा है बीट गार्ड और अन्य गाँव के लोग। मेरी मतलब बच्चे क्या करेंगे, मर जाएं या फांसी लगा ले या क्या करें। अच्छा, तो आपने कलेक्टर साहब को वन विभाग में और 181 पर भी आवेदन किया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं सर, कोई सुनवाई नहीं थी, दो चार दिन और देख रहे हैं, नहीं बस कुछ आत्महत्या करेंगे और क्या उपाय। अच्छा अच्छा।